उम्मीद आप लोगों को पाकिस्तानी फूड्स में आज मैं कढ़ी बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये सारी चीजें ली। कढ़ी दो स्टेप में बनेगी। सबसे पहले मैं कढ़ी बनाऊंगी जिसके लिए ये सारी चीजें ली। एक कप बेसन लिया है, एक किलो दही है, 6 ग्लास मैंने पानी लिया है, 2 टीस्पून पिसी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून हल्दी है, नमक आप लोग हसबे जायका ले सकते हैं, मैंने 1 टीस्पून लिया है, कुछ मैंने कड़ी पत्ते लिए हैं, 6 मैंने साबुत मिर्चें ली हैं और 1/2 टीस्पून मेथी दाना है और 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। दूसरे स्टेप में मैंने पकौड़े बनाने हैं, जिसके लिए ये सारी चीजें ली है। 2 मीडियम साइज की प्याज लेके इसे स्लाइस में काट लिया है और 2 कप मैंने बेसन लिया है, 1 टीस्पून पीसी लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून हल्दी है और 3 टीस्पून कुटा धनिया है, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा है और 1/2 टीस्पून नमक लिया है, आप लोग हसबे जायका ले सकते हैं, 2 टीस्पून सफेद जीरा है और 1.5 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी ली है, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। तड़का लगाने के लिए मैंने ये सारी चीजें ली है, कुछ कड़ी पत्ता है, 8 साबुत मिर्चें हैं, 1 टीस्पून जीरा है। बेसन को दही में मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है। 1/2 कप तेल ऐड करेंगे, मेथी दाना ऐड करेंगे, इसे सॉटे कर लेंगे। साबुत मिर्ची ऐड करेंगे, खड़ी पत्ता ऐड करेंगे, पेस्ट ऐड करेंगे, ये मसाले ऐड करेंगे। मसाले को हल्का सा भून लेंगे। दही और बेसन ऐड करेंगे। अब पानी ऐड करेंगे। इसे हाई फ्लेम में रखा हुआ है ताकि बॉयल आ जाए। इसमें बॉयल आ गया है। अब 25 मिनट के लिए हम तेज फ्लेम पे कड़ी को थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे ताकि कड़ी नीचे लगे ना। अब हम पकौड़ों का बैटर तैयार कर लेंगे। इसमें जीरा, कसूरी मेथी, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, कुटा धनिया और बेकिंग सोडा इसमें ऐड करेंगे। प्याज ऐड करेंगे। हसबे जरूरत पानी ऐड करेंगे। ये मिक्स हो गया है। अब हम कढ़ी के लिए पकोड़े बनाएंगे। Thank you.
कढ़ी को हम आधे घंटे के लिए हल्की आंच पे छोड़ देंगे और तब तक कढ़ी तैयार हो जाएगी। आधा घंटा हो गया है, अब हम इसमें पकोड़े ऐड कर रहे हैं। अब हम इसे 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ देंगे। कढ़ी के लिए हम तड़का तैयार कर लेंगे। तेल गरम कर लिया है, अब हम इसमें ये ऐड करेंगे। तड़का हम कढ़ी में ऐड कर रहे हैं। कढ़ी तैयार हो गई है, अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। कढ़ी की रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, पाकिस्तानी फूड्स को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।